वेलकम टू द केमिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पायरेन या फिर इसे हम कहते हैं स्पायरो कंपाउंड। तो इससे पहले की वीडियो एलिन इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है। मैं उसी से रिलेट करके इसको बताऊँगा। अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो ये समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं कि स्पायरेन क्या होता है। स्पायरेन या फिर इसे हम कहते हैं स्पायरो कंपाउंड, वह कंपाउंड जो एक एटम से अटैच्ड हो, एक ही एटम से दो रिंग अटैच्ड होती हैं, उसे हम कहते हैं स्पायरो कंपाउंड। अब वो दो रिंग कोई भी हो सकती है, थ्री मेंबर्ड दोनों, या फिर दोनों फोर मेंबर्ड, या दोनों फाइव मेंबर्ड, या फिर 3-4 मेंबर्ड, या फिर 5-6 मेंबर्ड। कोई भी रिंग अटैच्ड हो एक ही एटम से तो उसे हम कहते हैं स्पायरो कंपाउंड। अगर कोई बांड के थ्रू अटैच्ड होती है तो वो नहीं कंटेन करेंगे। हमारा एक ही एटम से दोनों रिंग अटैच्ड हो तो उसे हम कहते हैं स्पायरेन या फिर स्पायरो कंपाउंड। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका, कैसा स्ट्रक्चर होता है। ये स्पायरेन सभी हमारे हैं, ये 3-3 मेंबर का है, ये 4-4, ये 5-5, ये 4-3-4 का है, और ये 6-5 का है। ये सारे के सारे हमारे स्पायरेन हैं, स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब इसमें देखते हैं कि आरएस नामकलेचर कैसे करते हैं हम इसका। तो आरएस नामकलेचर करने के लिए इसका हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशन से पहले हम इस ये स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं। ये हमारा 4 मेंबर्ड एक है और दूसरा भी 4 मेंबर्ड है, बस ये एक प्लेन पर है और ये एक आउट ऑफ प्लेन है। जैसे कि अगर ये हमारा प्लेन पर इस तरह से है तो ये दूसरा वाला जो है वो आउट ऑफ प्लेन, वो इस तरह से है। अगर एक हमारा प्लेन पर इस तरह से, एक प्लेन पर ये वाली रिंग है तो दूसरी वाली इसके परपेंडिकुलर है, इसके अपोजिट इस तरह से रिंग है। तो यही दिखाया गया है इसमें कि एक प्लेन पर है, दूसरी उसके परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर ये जो दोनों हैं ए बी, इधर ए डैश बी डैश, कंडीशन क्या है? ए बी आर एस नॉर्मलेचर करने की कंडीशन, ए बी जो दोनों हैं वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर सी एच थ्री है, यहाँ पर सी एच थ्री नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई और ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारा ए डज नॉट इक्वल टू बी। उसी तरह से इधर भी हो जाएगा, ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। इसी तरह से हमारा एलिन में भी था, एलिन में हमारा यही था। और एलिन में हमारा दूसरे नंबर पर क्या था? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, उसमें इवन था। और यहाँ पर हमारा जो दोनों रिंग है वो इवन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन हमारी रिंग जो है वो इवन होनी चाहिए और वन साइड वेज राइज रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वेज राइज रिप्रेजेंटेशन है, इसमें भी वेज राइज रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इससे हमें नहीं मतलब है, क्योंकि ये फोर मेंबर रिंग को दिखा रहा है, अभी इसका वेज डैश से कोई लेना देना नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि ये एक प्लेन पर है और ये एक उसके परपेंडिकुलर है, एक इस तरह प्लेन पर है तो दूसरा वाला इस तरह से है। तो कंडीशंस हो गई। अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल इसके आर एस नॉर्मलेचर के, कि एग्जांपल हम समझते हैं इसमें आर एस नॉर्मलेचर कैसे करना है। तो ये हमारा वेज वाला, जो वेज डैश वाला पोर्शन होता है, इसके अपोजिट साइड से हम एक कायरल एक्सिस इसमें पास करते हैं, जैसा कि एलिन में किया करते थे। उसी तरह से हम पास करेंगे, जिस तरह से उसमें नंबरिंग करते थे उसी तरह से इसमें भी नंबरिंग करेंगे। तो इसमें नंबरिंग जाएगा टेल साइड से हम नंबरिंग करते हैं, तो इसमें ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और इसके बाद ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4। अब हमें 1-2-3 मूव करना होता है, 1-2-3 क्लॉकवाइज गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R। ये हो गया हमारा पहला। दूसरे में चलते हैं, हाँ अब दूसरे में जैसे कि हमारे ये दोनों रिंग थी, इस रिंग में आप थोड़ा सा ये मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ से ये हमारा दोनों बेस पे था। जैसे कि रिंग यहाँ पर ऐसी थी, तो यहाँ पर अब ये रिंग ही वेज डैश रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहाँ पर इसके बाहर था तो हमने यहाँ से किया था। अब इसमें ये बाहर वाला नहीं है, इस रिंग से ही अब हमारा वेज डैश रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसके अपोजिट साइड से हम कायरल एक्सिस पास करेंगे यहाँ से। अब वेज डैश रिप्रेजेंटेशन का काम हमारी इस रिंग का करेगा। अब यहाँ से हमने कायरल एक्सिस पास की, नंबरिंग हम करेंगे, यहाँ पर एन है तो ये हो जाएगा नंबर 1, और ये इधर कार्बन है, फिर कार्बन से लगा कार्बन है तो इसका नंबर हो जाएगा 2। यहाँ से देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से हम नाइट्रोजन की तरफ आए और इस कार्बन से हम कार्बन की तरफ आए, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो इसको हम नंबर देंगे 1, फिर इसको देंगे 2 फिर उसके बाद यहाँ पर
इस कार्बन से इस कार्बन तक जब आएंगे तो यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसको नंबर देंगे 3, फिर इसको देंगे 4। अब हम मूव करेंगे 1, 2, 3, तो ये देखिए 1, 2, 3 उधर है, तो हमारा मूवमेंट इस तरह का होगा कुछ। ये हमारा हुआ एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ पोजीशन प्रॉपर है, तो ये हो जाएगा हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 3। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर गलती तो मैंने मॉडिफाई किया। तो देखिए अब इसमें 2-4 मेंबर रिंग है, एक प्लेन पर है, दूसरी इस तरह से है, ये वाला बॉन्ड आगे की साइड है और ये वाला बॉन्ड पीछे की साइड है, और इसके अलावा कोई और वेजराइज रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर था, एक रिंग प्लेन पर थी, दूसरी परपेंडिकुलर थी, और एक वेजराइज रिप्रेजेंटेशन इधर था, तो इसको लेकर हमने इसके अपोजिट साइड से हमने कायरल एक्सिस इसमें पास की थी। लेकिन अब इसमें यही हमारा वेजराइज रिप्रेजेंटेशन का काम करेगा और यही हमारा इवन रिंग होने का भी काम करेगा। तो वो कैसे, क्योंकि इसमें इधर कोई हेट्रो एटम नहीं था कोई भी, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। अगर हम यहाँ से पास करते तो इसकी हम नंबरिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर हम यहाँ से कायरल एक्सिस पास करते हैं तो देखिए इस कार्बन से देखेंगे हम, इस कार्बन से इधर नंबर 1 नाइट्रोजन जुड़ा है, तो इसको 1 इधर से जाएंगे, पहले कार्बन मिलेगा उसके बाद ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये हो जाएगा नंबर 2। अब इस कार्बन से इस कार्बन पर आएंगे तो ऑक्सीजन, और इस कार्बन से इस पर जाएंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन मिलेगा, तो इस पर हो जाएगा इसका नंबर 3 और इसका हो जाएगा नंबर 4। 1, 2, 3, 4 मूव करेंगे हम, मूवमेंट हमारा कुछ इस तरह का होगा, और फोर पोजीशन प्रॉपर है, तो ये हो जाएगा हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से हमारे और भी एग्जांपल है, इसको भी कर लेते हैं। इसमें भी वेजराइज रिप्रेजेंटेशन रिंग में ही है, यहाँ से हमारी कायरल एक्सिस पास हो जाएगी, नंबरिंग कहाँ से करनी है हमें, इसके टेल पोर्शन से। इधर आएंगे कार्बन, इधर जाएंगे कार्बन, दोनों कैंसिल हुआ। अब इधर जाएंगे फिर कार्बन मिलेगा, लेकिन इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा, तो ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2। इसी तरह से इधर हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 4। 1, 2, 3 मूव एंटी क्लॉकवाइज, फोर्थ पोजीशन प्रॉपर है, तो ये हो जाएगा हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसी तरह से हमारा इसमें भी कायरल एक्सिस यहाँ से पास हो जाएगी। हमें क्या देखना है कि हमारे पास 2 रिंग होनी चाहिए, वेजराइज रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और ये जो दोनों था, इन दोनों इधर के आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर कुछ अलग है, यहाँ पर भी यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड है, तो ये डिफरेंट है, इधर कार्बन इन 2, इसको हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे देंगे 3, और ये वाला हो जाएगा हमारा 4। 1, 2, 3 मूव, 1, 2, 3 इस तरह से हमारा मूवमेंट होगा, तो ये हो जाएगा इसका आर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हम करते हैं स्पायरेन में आरएस नामंग्लेचर, और स्पायरेन कंपाउंड किसे कहते हैं ये हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि इसमें एक चीज़ और होती है, हेमी स्पायरेन, तो वो क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं, और इसके एक दो एग्जाम्पल और हैं वो भी देख लेते हैं। तो कुछ और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम पहले, उसके बाद देखते हैं हम स्पायरेन। एग्ज़ाम्पल मैंने अभी इधर लिखा है, तो इससे पहले कि अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, जो हमारी ये रिंग थी एक प्लेन पर थी, दूसरी आउट ऑफ प्लेन थी, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही एग्जांपल देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये रिंग अबव द प्लेन होगी, ये हर रिंग में दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन ये आपको अंडरस्टूड होगा। अब एक बार बताया जा चुका है, इसको बार बार अब नहीं दिखाया जा सकता ना। अब आपको बुक्स में भी इस तरह के एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक रिंग प्लेन पर, दूसरी इसके परपेंडिकुलर होगी, और यहाँ पर ये एक वेजराइज रिप्रेजेंटेशन होगा, और यहाँ से फिर हम इसका जब आर एस नामक लेक्चर करेंगे तो यहाँ से एक कायरल एक्सिस पास करेंगे, तो इसमें से भी इसको देंगे नंबर 1, इसको देंगे नंबर 2, फिर इसके बाद इसको नंबर 3, इसको नंबर 4, और ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा हमारा आर। आपको ये क्वेश्चन देखकर ये नहीं लगना चाहिए कि दोनों रिंग प्लेन पर है तो ये हमारा एकारल मालिकल हो जाएगा, तो इसका मतलब अब इस तरह से भी लिखा हो और एक साइड में वेजराइज रिप्रेजेंटेशन हो, तो इसमें आर एस नामक्लेचर हम इजीली इस तरह से कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे।
अब देखते हैं हम हेमिस्पायरेन क्या होता है। हेमिस्पायरेन में एलीन और स्पायरेन का मिक्सअप होता है। कैसे, आपको दिख ही रहा होगा स्ट्रक्चर में आप सारे, जैसे कि स्पायरेन में हमारी दो रिंग होती थी और एलीन में हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता था, लेकिन हमने एक एलीन का और दूसरा स्पायरेन का दोनों को मिला दिया तो हमारा ये हो गया हेमिस्पायरेन। हेमी मतलब आधा स्पायरेन, उसमें दो रिंग होती थी, इसमें एक ही रिंग होगी तो ये हो जाएगा हमारा हेमिस्पायरेन। एक रिंग एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पर एक रिंग एक डबल बॉन्ड, कोई भी रिंग हो एक डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारा हेमिस्पायरेन। इसमें आर एस नॉर्मल चेक करने के लिए सेम कंडीशंस हैं, यहाँ से कैरल एक्सिस पास करेंगे, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होने चाहिए सबसे पहले हमारी कंडीशन। दूसरी जो थी कंडीशन हमारी कार्बन एलिन में थी, हमारी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इवन होता था, स्पायरेन में थी हमारी ये दोनों रिंग आपस में इवन होती थी, लेकिन यहाँ पर एक रिंग होगी और एक डबल बॉन्ड, दोनों मिलाकर इवन होना चाहिए। एक ये दोनों मिलाकर दो हो गए, दो की इवन है तो दूसरी कंडीशन ये, और तीसरी कंडीशन वेज रिप्रेजेंटेशन एक साइड में होना चाहिए, तो इसमें सब में है। इसका हम करते हैं आर एस नॉर्मलाइजर, तो यहाँ से वेज रिप्रेजेंटेशन है हमारी कैरल एक्सिस यहाँ से पास होगी, इसका जाएगा नंबर वन, इसका जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, वन टू थ्री मूव कर जाएंगे हम, ये वन टू थ्री हमारा गया एंटी क्लॉक वाइज, इसका हो जाएगा एस, ये बिल्कुल सेम है, ये आप लोग करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल सेम है उसी तरह से। अब हम देखते हैं इसको, ये वेज रिप्रेजेंटेशन हमारा लेफ्ट साइड में है तो हम इसका हेड पोर्शन इधर देंगे और नंबरिंग यहाँ स्टार्ट करेंगे, इसका हो जाएगा नंबर वन, इसका हो जाएगा नंबर टू, इसमें नंबर थ्री ये वाला और नंबर फोर ये वाला। अब मूव करा देंगे वन टू थ्री इस तरह से, ये हमारा गया एंटी क्लॉक वाइज, तो ये हो जाएगा हमारा एस, उसी तरह से ये भी हो जाएगी हमारा। पहले सब आप लोग पहले चेक करेंगे ये इवन है कि नहीं है, ये वेज डाइज रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों आपस में बराबर तो नहीं है, मैंने जो यहाँ पर लिखा है वो सभी के सभी कैरल मॉलिक्यूल हैं, तो हमारी नंबरिंग यहाँ से होगी, ये वन ये टू, फिर उसके बाद थ्री इधर हो जाएगा और ये फोर हो जाएगा। नंबरिंग करना आप लोग सीख चुके होंगे इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, वन टू थ्री, तो हमारा मूवमेंट यहाँ से हो जाएगा वन टू थ्री, हम मूवे घूमे हैं क्लॉक वाइज और फोर्थ पोजीशन डैश पर है यानी कि सही है, तो ये हो जाएगा हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया हमारा स्पायरेन एंड हेमी स्पायरेन ख़त्म। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बाइफेनाइल, बाइफेनाइल फिर उसके बाद हम देखेंगे एक ही वीडियो में एंसा कंपाउंड साइक्लोफेन जितना भी होगा उसको हम देख लेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।